हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें चक्कर आते हैं, घबराहट रहती है या बेचैनी रहती है, भूख नहीं लगती है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर चलने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो जो कमजोरी है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होती है कमजोरी की। कमजोरी में अक्सर घबराहट हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, भूख भी नहीं लगती है, और कभी कभी जो सोने के बाद में जब उठते हैं तो आंख होता तिलमिले जैसे उड़ने लग जाते हैं। ये कमजोरी की निशानी है। और कमजोरी ज़्यादातर, यदि आप लॉन्ग टाइम से बीमार हैं तो भी आपको कमजोरी हो सकती है। यदि आपकी कोई ब्लीडिंग वगैरह हुई है फिर भी आपको जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसे मेल, फीमेल, चाइल्ड हर कोई यूज कर सकता है। और वो है HV4+ सीरप। HV4+ सीरप एक लीफोल्ड फार्मेसी की है। ये बहुत ही अच्छी सिरप है। इसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है। यदि आप में ब्लड की कमी है, यानी हीमोग्लोबिन आपका कम है, फिर भी आपको ये सिरप अच्छा बेनिफिट देगी और जो है हीमोग्लोबिन को बढ़ा देगी। यदि आपका ब्लूरूबिन बढ़ा हुआ है फिर भी ये आपको बेनिफिट करेगी। यदि आपका SGOT बढ़ा हुआ है फिर भी आपको ये बेनिफिट करेगी, यानी पूरी तरह से जो है आराम देगी। ये लमसम आपको 100-125 रुपए की जो है समथिंग आपको मिल जाएगी, और हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। इसे आप, यदि आपकी उम्र 10 से 15 साल है तो आप 5 5 ml 5 ml सुबह, 5 ml शाम ताज़ा दूध के साथ में ले सकते हैं मिक्स करके, और इसे आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। यदि आपकी उम्र जो है 15 साल से ऊपर है तो आप 5 से 7.5 ml सुबह शाम दूध में डाल के ले सकते हैं। अब आ जाता है परहेज। परहेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमने कुछ भी खा लिया, यानी कोई सी दवा खा ली, यदि हमने परहेज नहीं किया तो हमारा सब कुछ जो है व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। तो आपने ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, गरम मसाले नहीं खाने हैं, गरिष्ठ पकवान नहीं लेने हैं, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं खाने। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। खाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हल्का खाना लेना है, और काम बहुत ही कम करना है, आराम की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, आपको ज़्यादातर जो है फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। फ्रूट्स में जो है आप एप्पल ले सकते हैं, चुकंदर आप ज़्यादा ले लीजिए, और अनार भी आप खा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप पेज पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए।